स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 2D इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट इज टू डायमेंशन। 2D इम्प्लाइज करता है इस समय का ऑब्जेक्ट जो होता है वह टू डायमेंशनल होता है, या 3D एनिमेशन में क्या होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। सेकेंड पॉइंट कि 2D एनिमेशन इज ऑल अबाउट द फ्रेम। 2D एनिमेशन जो होता है ऑल अबाउट फ्रेम होता है, लेकिन 3D एनिमेशन जो होता है वह ऑल अबाउट मूवमेंट होता है। 3D एनिमेशन में क्या होता है ऑल अबाउट मूवमेंट होता है, और 2D एनिमेशन जो होता है वह क्या होता है ऑल अबाउट फ्रेम होता है। 2D एनिमेशन में क्या होता है प्राइस जो होता है वह लेस लगता है, मतलब कॉस्ट कम लगता है, और 3D एनिमेशन में क्या होता है कॉस्ट जो होता है वह ज़्यादा लगता है, मच एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। 2D एनिमेशन कॉम्प्राइजेस ऑफ कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट ओनली इन हाइट एंड वेथ। 2D एनिमेशन में क्या होता है सिर्फ हाइट और विथ के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन 3D एनिमेशन में क्या होता है कॉम्प्राइजेस हाइट विथ एंड डेप्थ के हिसाब से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाई ट्रेडिशनल मेथड। 2D टू डायमेंशनल एनिमेशन में क्या होता है तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वह ट्रेडिशनल मेथड से होता है, और 3 डायमेंशनल में क्या होता है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन बाई कंप्यूटर। इसमें जो भी चीज का वर्क होता है वह कंप्यूटर से होता है। 2 डायमेंशनल का नेक्स्ट डिफरेंस वाइडली यूज इन एडवर्टाइजमेंट कार्टून एंड मेलिंग में इसका यूज करते हैं। जो 2 डायमेंशनल होता है इसका मेनली यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट में कार्टून्स में यूज करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल जो होता है इसका यूज करते हैं हम लोग गेमिंग में मूवी में मेडिकल और इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस था कि 2 डायमेंशनल एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।